हेलो बिचिया माय लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं सबिंदास फर्स्ट क्लास जगकाश। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी BGMI से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे अनबैन होने के कितने चांसेस है। उसी के साथ गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, तो आज के दिन फाइनली यहाँ पे रियल ट्रूथ पता चल चुका है कि क्यों आखिर हम लोगों का BGMI बैन हुआ है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो गाइज आप सब जानते ही हो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही हम लोगों की यहाँ पे BGMI के अंदर न्यू सीज़न आई है, जिसके थ्रू हम लोगों के जो टायर है वो यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं। जैसे कि हम लोग कोई हाई टायर में थे तो उसको चेंज करके प्लेटिनम 1 या ऐसे टायर में डाल दिया गया है। तो गाइस उसी मेल के अंदर आप लोग जाओगे ना, तो मैं आप लोगों को नॉर्मली जाके दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यू सीज़न टायर रिसेट है, जो कि यहाँ पे 5 दिन पहले हुआ था। तो गाइस इसके अंदर जितनी भी डिटेल आप लोग देखोगे ना, उसमें एकदम लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, जो कि डिटेल पॉइंट ट्रांसफ़र रूल्स है। तो इसके अंदर गाइस हम लोग नॉर्मली यहाँ पे चले जाते हैं और इसके अंदर मैं आप लोगों को और भी ढेर सारी चीज़ें बताती हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो BGMI है उसके अंदर यहाँ पे लिखा आ रहा है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल KR सपोर्ट। मतलब कि गाइज यहाँ पे BGMI क्या कर रहा है कि KR वर्जन जैसा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खुद को बनाना चाह रहा है, क्योंकि क्राफ्टन को पता ही है कि हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे KR वर्जन से कोई आपत्ति नहीं है। KR वर्जन से यहाँ पे कोई भी हम लोगों को खतरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे बताया है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल KR सपोर्ट। मतलब कि यहाँ पे BGMI KR वर्जन जैसा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा, जो कि मैं आपको बताऊँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो अनबन होने के थोड़े से यहाँ पे चांसेस और बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऑफिशियल की तरफ से हमें यहाँ पे अनबैन होने की ही हिंट मिल रही है कि धीरे धीरे वो लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। और उसी के साथ गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल है वो सिर्फ आपको BGMI में ही देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल आपको KR वर्जन के अंदर भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ PUBG मोबाइल के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो कि थोड़े टाइम पहले ही मैं PUBG मोबाइल में भी इसको चेक करके आई हूँ। अब गाइज यहाँ पे इसके अंदर बैटल ग्राउंड मोबाइल KR सपोर्ट है और PUBG के अंदर जाके देखे तो PUBG M लिखा हुआ है। मतलब कि ये आर्टिकल PUBG से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे गेम्स है सब में यहाँ पे डाला गया है, भले वो वियतनाम वर्जन हो, भले BGMI हो, भले वो यहाँ पे ग्लोबल हो, KR हो, कोई सा भी यहाँ पे वर्जन हो, सब में यहाँ पे जब न्यू सीज़न आई थी तो ये वाला आर्टिकल डाला ही गया है। बट यहाँ पे BGMI बैन चल रहा है तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि KR सपोर्ट को ही पूरा उठा के हम लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल दे दिया है। इसका मतलब थोड़ा बहुत यही है कि हमारा जो BGMI है वो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा KR वर्जन की तरीके का यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि कोरिया के लिए इन लोगों ने नया अलग से KR वर्जन कर दिया, वैसे सेम हमारा यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए यहाँ पे कर दिया गया था, उसी के थ्रू गाइज यहाँ पे इन लोगों ने KR सपोर्ट लिखा है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही वीडियो में बोला था कि गाइज यहाँ पे मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि रियल ट्रूथ हम लोगों को इसके थ्रू पता चलता है BGMI बैन होने का। तो गाइज सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब बैन हुआ था तभी बताया था कि हम लोगों का यहाँ पे जो BGMI है वो सेम PUBG मोबाइल जैसा है, BGMI सेम PUBG मोबाइल जैसा है, ना कोई चेंजेस ना कुछ। कभी कभी तो PUBG से रिलेटेड आउटफिट भी BGMI में आ जाते थे, कभी कभी तो खुद यहाँ पे BGMI में PUBG लिखा भी आ जाता था। तो इसी से रिलेटेड गाइज यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि इसी कारण के थ्रू यहाँ पे बैन हुआ है, ठीक है। इसी कारण के थ्रू जो BGMI है वो हमारा बैन हुआ है, क्योंकि PUBG मोबाइल जैसा सेम है और हमारे डेटा कहीं ना कहीं बाहर सर्वर पे भी यहाँ पे भेजे जाते हैं, तो इसलिए बैन हुआ था। तो आज के दिन गाइज यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, हाँ जो सही कारण है, जो रियल ट्रूथ है वो यही है कि हम लोगों के BGMI के अंदर कोई से भी चेंजेस नहीं थे, सेम PUBG मोबाइल जैसा था, इसीलिए यहाँ पे बैन हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने जो आर्टिकल डाला है ना वो PUBG मोबाइल का ना उठा के KR वर्जन का उठाया है। आप लोग ये वाले आर्टिकल को अगर आप लोग KR वर्जन खेलते हो तो उसके अंदर चेक करोगे तो भी आप लोगों को सेम आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, और अगर आप लोग यहाँ पे PUBG मोबाइल के अंदर चेक करने जाओगे तो आप लोगों को KR की जगह पे PUBG मोबाइल ग्लोबल देखने को मिल जाएगा। तो गाइज पूरे वीडियो का सार मेरा इतना ही है कि BGMI यहाँ पे अनबैन होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये KR वर्जन की तरह से अपने खुद को बना रहा है ताकि PUBG मोबाइल का इसके अंदर कोई अंश ना रहे और हम लोग आराम से फिर आगे जाके BGMI खेल पाए। बट गाइज BGMI अनबैन होने में थोड़ा अभी भी टाइम लग सकता है, और उसी के साथ यहाँ पे रियल ट्रूथ यही है कि इसीलिए BGMI बैन हुआ था क्योंकि PUBG मोबाइल जैसा सेम था, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो आप लोगों को और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट रिफंड से रिलेटेड यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी, अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन रजिंग, और इधर देखो PUBG मोबाइल सपोर्ट लिख दिया है इन्होंने,
ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे कोरिया और जापान लिखा है, मतलब कि एयर वर्जन और जापान के तरीके का यहाँ पे है। और उसके बाद आप लोग देखोगे तो आप लोगों को इसके अंदर डोनकात्सु मेडल भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन के अंदर है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर BGMI बहुत अच्छे से आने वाली होगी तो हम लोगों के BGMI के अंदर भी यहाँ पे इवेंट से रिलेटेड थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे, या फिर हम लोगों को भी KR वर्जन के जैसे यहाँ पे डोनकात्सु मेडल ही देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद और भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो जो आप लोगों के लिए हेल्प हो। ठीक है, तो आई होप गाइज मेरे वीडियो का मतलब आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए गाइज, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।